विगत कई दिनों से जदयू के महानगर अध्यक्ष ने गरीब और लाचार लोगों के बीच भोजन का पैकेट बनाकर वितरित कर रहे हैं। जदयू महानगर अध्यक्ष ने कहा कि विगत कई दिनों से यह कार्य जारी है और जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी तब तक यह कार्य जारी रहेगा। बंधु को भोजन का व्यवस्था किया गया है और जो जो गरीब जरूरतमंद है जिसको खाने का एक टाइम का भी ठीक नहीं है उनके दरवाजा पर हम ले जाकर खाना का व्यवस्था किए हुए हैं और उनसे आग्रह भी किए हैं कि अगर बीच में भी किसी को जरूरत पड़े जो रोड पर मुसाफिर चल रहा है जिसको भोजन पता ही नहीं मिल पा रहा है वो तो आकर हमसे संपर्क कर ले सकते हैं। ऐसे हम डोर टू डोर हम लोग हर एक शहर में वार्ड वार्ड जाकर हम लोग घूम कर खाना वितरण करने का काम कर रहे हैं। कितने दिनों से ये आप कर रहे हैं? हम लोगों का आज तीसरा दिन है और वितरण कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक जरूरत पड़ेगा। क्या इसमें अन्य लोगों का सहयोग भी ले रहे हैं कि आप अपने तरफ से ले रहे हैं? हम लोगों का ये भोजन का भी आगे दिन से देखा जाएगा, उन लोग से सहयोग लिया जाएगा, मगर अभी हम अपने तरफ से कर रहे हैं और उसमें सहयोग खाना बनाने का चाहे जो भी अपना वितरण करने में आदमी अपने। कितने लोगों को अभी तक आपने भोजन वितरित किया? करीब हम लोग आज नहीं अभी तक ले में 1700-1800 पॉकेट हम लोग वितरण कर चुके हैं। आपका परिचय? जनता दल यूनाइटेड राकेश रंजन उर्फ पुतुल, जनता दल यूनाइटेड आरा महानगर अध्यक्ष।